इतने भरोसे से कह सकता हूँ मैं 2.5 साल से प्लांट चला रहा हूँ जी, ठीक है, नॉन स्टॉप 24/7 ये प्लांट चलता है जी। कितने खेडूतों से कांटेक्ट हुआ है जी, सबके अच्छे रेस्पॉन्स है। अच्छा। एक खेडूत तो ऐसा था जिसके बोलते हैं कि मेरे रेतीली जमीन है, कुछ हो नहीं सकता जी जी, उस पर हमने 2 से 3 दिन स्लरी छटवाई जी, स्लरी के बाद ये फर्टिलाइजर यूज किया जी, इतना अच्छा रेस्पॉन्स है कि आजू बाजू वाले खेडूत वहाँ आके उसको पूछते तूने ऐसा क्या कर दिया, अच्छा ऐसा क्या जादू हो गया। सही बात है, ये इतने अच्छे रेस्पॉन्स होते हैं जो हमको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं जी। हम जैसे गोबर गैस प्लांट जैसे हमने बड़ा लगाया है यहाँ पे, आप घरों में छोटा लगा सकते हैं जी जी, छोटा गोबर गैस प्लांट जिसमें आपका गोबर आपके वहीं पे होगा क्योंकि यहाँ पे केटल है, वहाँ डालो, प्रोसेस करो जी, गैस बने वो यूज करो, नहीं करनी तो मत करो, उसको जला दो जी। लेकिन उसका मेन इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर। अच्छा। जो स्लरी निकलता है वो अपने खेतों में यूज करो जी, जो आपको कार्बन भी बढ़ाएगा, जो आपके एनपीके बढ़ाएगा, बैक्टीरिया लाएगा। अभी आपकी जमीन आप खोदेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। सही बात है, सही पहले बात। आप आपके दादा या पूर्वजों को पूछना तो वहाँ पे बोलने पता चलेगा कि जब भी खोदते थे कुछ निकलता था, वर्म्स निकलते थे, केचुए निकलते थे, कुछ भी कीड़े निकलते थे जी जी। सही बात है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन नहीं है, हम खेड़ दादा रहे हैं जी जी। सर हमारा जो मेन आम किसान होता है जो वो गोबर गैस प्लांट बनाते हैं, उसका मेन मकसद जो गैस ही लेना होता है, लेकिन उससे जो बढ़िया जो चीज़ है, इससे भी महंगा जो खाद है उसका, उसके ऊपर वो नहीं फोकस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और फिलहाल ये चलो मैं आपको बड़े प्लांट का बताता हूँ, लगभग हम 70% जो रेवेन्यू आ रहा है वो खाद से आता है। अच्छा। 30% ही वो है, मेरे लिए मेन प्रोडक्ट खाद है। सही बात है, बाय प्रोडक्ट है वो गैस, अगर मैं जला भी दूँ उसको चलेगा जी जी जी। मेरा मेन प्रोडक्ट ये है, हमारा मेन एम है कि फार्मर को किस तरीके से, खेडूत को किस तरीके से सहायता कर सके। सही बात है, ये हमारा काम। हम तो डेयरी वाले, दूध वाले, हमें इसमें लाने की इच्छा नहीं है, लेकिन अभी प्राइवेट प्लेयर इतने जिन्होंने मार्केट को लीड कर रहे हैं और गलत चीजें खेडूत तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, सही बात। हमारा आने का मेन यही है और सबसे अच्छा यही होगा खेडूत खुद के घर पे बनाए जी जी, खुद के घर बनाएगा, सब कुछ ऑर्गेनिक रहेगा, गोबर आएगा, कुछ भी खर्चा भी नहीं लगा। क्यों? अभी लगभग 1960 के अंदर ही आया ना ये लगभग केमिकल फर्टिलाइजर, उससे पहले खेती नहीं हो रही थी। नमस्कार मित्रों, आज हम आए हमारे भारत की सबसे बड़ी जो बनास डेयरी है उसी के एक प्लांट पर। मित्रों यहाँ पर आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। मित्रों यहाँ पर हमारे जो पशु का जो गोबर होता है इससे यहाँ पर CNG गैस भी बनती है और इससे यहाँ पर जो बेशकीमती हमारे जो खेत के लिए जो खाद होता है वो भी यहाँ पर बनता है। तो मित्रों आप घर पर रहकर ये खाद और CNG कैसे बना सकते हैं पूरे यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। तो सर पहले आपका परिचय और यहाँ का एड्रेस और ये कौन सा प्लांट है थोड़ा विस्तार से बताएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंक मेहता है, मैं बनास डेयरी द्वारा स्थापित बनास बायोसि एन जी प्लांट में हूँ। ये बनासकड़ा डिस्ट्रिक्ट के डीसा तालुका में है, लामा गाँव में जी जी जी। यहाँ पे हम लोग बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस बनाने के लिए हम गोबर को प्रोक्योर करते हैं, गोबर को लेके आते हैं। लगभग दिन का हम 40,000 किलो गोबर लेके आते हैं। अच्छा। जो 40,000 किलो हमने ये प्लांट ही इसलिए शुरू किया है कि हम खेडूतों को किस तरीके से मदद कर सकें जी जी जी। तो हम अभी 1 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी हम ही उसको देख रहे हैं कि हमको लगभग 1 किलो गोबर लगभग 1.4 रुपये में पड़ रहा है। अच्छा। यहाँ पे लाने के बाद उसको हम स्लरी बनाया जाता है। अच्छा। जिसमें मतलब हम पानी का गोल करते हैं जी, प्रॉपर गोल होने के बाद हम उसको थोड़ा बहुत क्लीनिंग करते हैं कि अगर कहीं उसके अंदर कुछ अनवांटेड मटेरियल हो तो वो निकाल दिया जाए जी। उसके बाद हम हमारे डाइजेस्टर में डालते हैं जी। डाइजेस्टर में उसका डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिस तरीके से गाय के पेट में डाइजेशन होता है जी जी। उस तरीके से इसमें 35 दिन तक डाइजेशन होता है जी। डाइजेशन होने के बाद उसमें से गैस बनती है और एक लिक्विड वाली स्लरी बाहर आती है जिसमें 10% सॉलिड है जी। अब वो स्लरी को हम लोग सॉलिड लिक्विड सेपरेटर से, जिसमें से घन पार्ट और तरल पार्ट दोनों अलग अलग हो जाता है, सॉलिड और लिक्विड को अलग करते हैं। सॉलिड को हम अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और लिक्विड को करते हैं। अच्छा। लिक्विड के हमारे यहाँ पे 3 काम है जी। एक काम है कि हमारे जो स्लरी बनाने के लिए स्टार्टिंग में जो पानी चाहिए था जी, उसी की जगह फ्रेश वाटर न लेने की जगह हम उसी स्लरी का यूज कर लेते हैं जी जी जी। दूसरा काम है जो हमको अगर किसी खेडूत को रिक्वायरमेंट है, जैसे उकाड़ा बना के वो खेतों में डालते हैं जी, लेकिन ये हमारा सीधा हम खेडूत के घरों में जाके, फार्म में जाके सीधा स्प्रे कर देते हैं जी जी। तो उनके कम पैसों में सीधा स्प्रे हो जाता है और पूरे एरिया कवर हो जाता है। जी जी जी। और ये हम लास्ट 2.5 से 3 साल कर रहे हैं। जी जी। और इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि हमने पहले उसको 10-12 लाख सेल किया। जी। लास्ट ईयर हमने 30 लाख सेल किया और इस ईयर हमने एक ही सीजन में 35 लाख से 40 लाख लीटर सेल कर दिया। जी जी। लगभग उसका वैल्यू बहुत कम है, लगभग 1 किलो हम 30 पैसे के आजू बाजू में हम सेल करते हैं। जी। तो उसका वैल्यू काफ़ी कम है, क्वांटिटी में यहाँ से फार्मर ले जा सकते हैं। जी। दूसरा है हमारा सॉलिड पार्ट। जी। अभी हम जो डीएपी यूज करते हैं, डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, हम डालते क्यों हैं? डालते इसलिए ताकि उसमें फॉस्फेट है, ठीक है, नाइट्रोजन है लेकिन वो उड़ जाता है, मेन हमारा फॉस्फेट है। जी। अभी हम ये समझते हैं कि उसके अंदर 46% फॉस्फेट है। जी। मगर रियल में वो आता आता कट कटा के जमीन में रह जाता है, वॉश आउट हो जाता है, केवल 16% हमें मिलता है, ठीक है, वो यूजेबल फॉर्म शायद तक हमारे प्लांट को मिल पाते हैं। उसकी जगह पर यहाँ पे हम प्रॉम फर्टिलाइजर बना रहे हैं जो कि है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। इसमें हम लगभग 8% से 10% जितना हमारा फॉस्फेट रहता है, फिर कार्बन रहता है, जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। खेड़ उसमें डालने के बाद काफी अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं। रेस्पॉन्स मतलब कैसे कि हमने आज डाला तो अगले सीजन में भी उसका असर दिखता है। जी जी। इसके लिए हम 1 सीजन या 2 सीजन तक उसका लाभ ले पाते हैं। जी जी। यहाँ पे हमें जो डीएपी मिलता है वो रियल में 3800 रुपए का। अच्छा, सही बात। लेकिन सब्सिडी मिलने के बाद गवर्नमेंट के ऊपर 50 रुपए प्रति किलो सब्सिडी देनी पड़ती है। सही बात है। 2500 रुपए सब्सिडी है, इसके लिए हमें 1350 रुपए मिल रहा है। गवर्नमेंट आज नहीं तो कल वो सब्सिडी घटाएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, उसका लाखों करोड़ों रुपए का बर्डन आता है, एक्स्ट्रा बोझ है, जो गवर्नमेंट आज नहीं तो कल हटाएगी। उसकी जगह अगर गवर्नमेंट या खेडूत इसको अगर यूज करें, ये अभी हम लगभग 850 से 880 रुपए में देते हैं, इसके 2 बैग यूज करें, लगभग आपको 1500 से 1600 का पड़ेगा। जी। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। सही बात है। क्या करते हैं? जैसे हमारा गोबर जो हम डाइजेस्ट हो गया, जिसमें से निंदामण चली गई, ठीक है, उसको हम फॉस्फेट के लिए रॉक फॉस्फेट वगैरह ऐड करते हैं, बैक्टीरिया ऐड करते हैं, पीएसबी हो गया, एनपीके हो गया, कंसोडिया हो गया, वो ऐड किया जाता है। जी जी। इसके साथ साथ और जैसे कि खेडूत को क्या है, हुमिक बाहर से लाना पड़ता है। जी जी। तो हुमिक भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। जी। हुमिक के साथ साथ हम फ्रेश मड भी हल्का बहुत उसके अंदर यूज करते हैं, रिक्वायरमेंट कार्बन के हिसाब से, नीम केक, कैस्टर केक, बाकी जो भी अगर खेडूत को जो बाहर से लाना पड़ रहा है, कुछ न लाना पड़े, उसको एक ही प्रोडक्ट में सारा सॉल्यूशन मिल जाए, उस प्रकार से हम यहाँ पे प्रॉम फर्टिलाइजर बना रहे हैं। जी जी जी। साथ ही साथ हम यहाँ पे कंपोस्ट बना रहे हैं, जो सेंद्रीय खातर बोलते हैं हम यहाँ पे। जी जी। जिसकी रेट 450 रुपए। अच्छा। जो बाहर से लेके आ रहा है तो वो उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है वो आप जानते हैं, खेडूत जानते हैं उसमें क्या क्या होता है। ये डेयरी का है, डेयरी मतलब खेडूत की डेयरी, इसका ऑनर कौन? खेडूत। जो प्रॉफिट या नफा हुआ वो जाएगा खेडूत के पास। इसके लिए हम इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं कि खेडूत को कोई दिक्कत ना है, यूज करने के बाद सीधा उसको रिजल्ट मिले। जी जी जी। तीसरा हमारा एक आता है स्लरी, जो मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे एक संजीवनी करके कंसनट्रेटेड लिक्विड बना रहे हैं, जो आपको 1 एकड़ में लगभग 25 लीटर जितना आप डालेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। जो आपका इवन जैसे मैं अभी लास्ट सीजन का एग्जांपल लूं, मूंगफली में हमने डाला, मूंगफली पीली हो गई, 3 दिन में मूंगफली पीलासपन चला गया, नॉर्मल ग्रीनरी आ गई। अच्छा। इतना अच्छा रिजल्ट है उसका। जी जी जी। तो ऐसे हम अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। जी। जो ऐसा ही हम अगर खेडूत अगर घर पे भी करना चाहें तो कर सकता है। जी। तो मित्रों, हमारा मेन फोकस यहाँ पर जो हमारे जो पशु होता है उसे गोबर से यहाँ पर किस प्रकार अपन अच्छा बेनिफिट ले पाता है, हम किसान अपने घर पर छोटे से छोटा ये पूरा प्रोसेस बनाकर कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो सर, यहाँ पर शुरुआत में जो गोबर आता है और गोबर आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है और आप खाद कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं और दिखाएं। जी सर, तो बताएं हमें यहाँ पर क्या पूरी प्रोसेस होती है, ये क्या प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस, थोड़ा विस्तार से बताएं। यहाँ पर हम लोग, जैसे मैंने बताया कि गोबर हम आजू बाजू के गाँवों से लेके आ रहे हैं। जी जी जी। लाने के बाद उसका टेस्टिंग होता है कि किस तरीके का गोबर है, ज़्यादा सूखा उतना अच्छा नहीं। जी। जितना गीला गोबर होगा उतना अच्छा रहेगा। जी। गीला गोबर मतलब क्या, लगभग 85% उसमें पानी होता है, पानी हमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, वो ठोस फॉर्म में ही रहेगा। जी जी। वो आने के बाद यहाँ पे सीधा हाइड्रोलिक होता है, मतलब वो यहाँ पे आने के बाद सीधा उस टैंक में खाली हो जाएगा। जी जी। ये हम उसके अंदर फिर एक्स्ट्रा स्लरी ऐड करते हैं या पानी ऐड करते हैं, जिसके कारण वो तरल बनता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, जो हम पंपिंग कर पाए। जी जी। दूसरा, हम साथ ही साथ में जैसे हमारे घर में किचन वेस्ट होता है, हमने कुछ खाना बनाया, उसको अगर क्रश करके भी आप डाइजेस्टर में डाल सकते हो। डाइजेस्टर में जैसे हम लोग यहाँ पे आलू यूज कर रहे हैं, ठीक है, आलू जो वेस्ट बटाके हैं हमारे, तो वो हमारे पास आते हैं, हम उसको प्रोसेस करके क्रशिंग करके मतलब उसका जूस निकाल देते हैं और वही हम जूस उसके अंदर अनलोडिंग टैंक के अंदर डाल देते हैं। जी जी। जैसे कि सर कोई भी आम किसान जो गोबर गैस प्लांट छोटा सा ही बनाता है, तो जैसे कि ये गोबर जितना डालता है इतना उसके अंदर पानी डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गोबर कितना आता है और पानी कितना डालता है? हम 40,000 किलो गोबर आ रहा है, अगर मेरे पास छोटा खेडू तो मैं 100 किलो गोबर है जी, तो 100 किलो गोबर है तो 100 लीटर आप पानी डाल सकते हैं। 1:1 का रेशो मेंटेन करना है, मतलब 100 किलो के सामने 100 लीटर पानी जी आप ऐसा यूज कर सकते हैं, जिससे आप बस आपको स्लरी बनाना अच्छे से। जी जी जी। तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोबर है जो पूरी जो टॉली है ट्रैक्टर यहाँ पर गोबर अनलोड किया जाता है, उसके बाद जितना गोबर है उसका उसकी प्रकार उसके अंदर पानी दिया जाता है और आगे क्या प्रोसेस होती है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो मित्रों हमारा मेन फोकस यहाँ पर जो खाद किस प्रकार बनता है और वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खाद है और उसके अंदर जो पानी डालकर पूरा मिक्स करके ये डाइजेस्ट वहाँ पर दिया जाता है, उसके बाद ये खाद की पूरी अलग सिस्टम होती है। और हमने आगे जो यहाँ पर जो CNG जो गैस बनती है उसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई गई है और आपके लिए उपलब्ध है, तो मित्रों आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक दबाकर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो सर हमें पूरे यहाँ पर जो क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी सर, तो बताइए ये क्या प्रोसेस हो रही है और ये क्या प्रोसेस है और ये खेत में क्या प्रोसेस, थोड़ा विस्तार से बताएं। अभी हमने जो गोबर लाए मिक्स किया डाइजेस्टर में डाला, अभी वहाँ से जो निकलेगा वापस से वो स्लरी निकलेगी। जी जी। अब वो स्लरी में क्या है, सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा जी। तो ये हमारे पास सॉलिड लिक्विड सेपरेटर है जी। जैसे हम मौसम्बी का जूस निकालते हैं जी, तो ऊपर से मौसम्बी मतलब लिक्विड और सॉलिड डालते हैं जी, एक तरफ से पानी निकलता है जूस निकलता है और एक तरफ से हमारा सॉलिड जो कचरा निकलता है जी। वैसे हमारा सॉलिड का और लिक्विड हम अलग अलग यहाँ पे करते हैं। अच्छा। वो अलग करने के बाद अभी वो क्या है 35 दिन डाइजेशन हुआ है, जिसके डाइजेशन हुआ है मतलब ऐसा हुआ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हमें यूज करनी है वो ऑक्सीजन में करनी है, खेतों में डालनी है जहाँ पे हवा में ऑक्सीजन होगा, तो उसको हम 35 से 40 दिन और पीछे प्रोसेस करते हैं। जी जी। 35 दिन अंदर रहा जी, फिर इसके अंदर और मटेरियल ऐड करके 35 दिन और, लगभग हमारा 60 दिन का साइकिल बाहर रहता है। जी 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 जी। तो मित्रों यहाँ पर अपन दिखाना चाहेंगे, मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जो प्रॉपर जो खाद किस प्रकार बनाए जाते हैं यहाँ पर ऑलरेडी। सर तो ये क्या क्या प्रोसेस होते हैं थोड़ा बताइए यहाँ पर। मैं यहाँ पे आप देखिए इसको, जैसे कि ये हमारा रेडी होके आया है जी, इसके अंदर हम मिक्स करते हैं, ये ऑलरेडी खाद बन चुका है। तो मित्रों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरे अपन जो केचुआ खाद बनाते हैं इस प्रकार ये एकदम ब्लैक कलर में और बुरबुरे दानेदार बन चुका है और ये खेतों में डालने के लिए सर रेडी है, बिल्कुल रेडी है। ये मित्रों आप देख सकते हैं ये अभी इसका ग्राइंडिंग नहीं हुआ है जी, पूरी मैश वो अलग हो जाएगी, 4 mm से कम साइज में आएगा। जी जी जी। उसके लिए मशीन हमने इंस्टॉल की है, मैं फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा बैग में पैक होने। अच्छा अच्छा, यानी कि ये चारण है उसके अंदर पूरी चारा जाता है मित्रों, पूरा अच्छे से चारा जाता है। अच्छा आप देख सकते हैं मित्रों। तो सर हमें ये बताया कि कोई भी आम किसान फिलहाल यूरिया DAP दवाई का इस्तेमाल कर रहा है और ये डायरेक्टली ये खेत में इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो उसे रिजल्ट कितने समय तक मिलेगा सर बताइए। जैसे कि आम किसान बोलता है कि जो सोचना होता है कि जैसे हमने ऑर्गेनिक यूज किया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा जी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीज चाहिए खाने में जो चीज चाहिए हम देते नहीं जी। सही बात। ये ऑर्गेनिक है तो हमको जो जो चाहिए जैसे फॉस्फेट चाहिए जी, तो फॉस्फेट हम नेचुरल फॉर्म में जहाँ से वो मिक्स कर देते हैं। अच्छा। तो केमिकली बनाने की जरूरत नहीं है। जी जी। यानी कि जो यूरिया DAP में है ऑलरेडी जो कंटेंट वो सब ऑलरेडी है, तो कोई डिफरेंट तो कोई आप जैसे मेरे अभी भी सुझाव है, लोगों को हमेशा क्वेश्चन रहता है कि मैं क्यों करूँ, आपके पास 1 एकड़ जमीन है, आधे एकड़ में ये करके देखो, आधे एकड़ में ये दूसरा करके देखो। अच्छा, अच्छा। जो आप रोज करते हो केमिकल प्रोसेस वाला जी जी जी, फिर देखो रिजल्ट में अंतर। मैं इतने भरोसे से कह सकता हूँ, मैं 2.5 साल से प्लांट चला रहा हूँ, ठीक है, नॉन स्टॉप 24x7 ये प्लांट चलता है, इतने खेडूतों से कॉन्टेक्ट हुआ है, सबके अच्छे रेस्पॉन्स है। अच्छा। एक खेडूत तो ऐसा था जिसके बोलते हैं कि मेरे रेतीली जमीन है कुछ हो नहीं सकता जी जी, उस पर हमने 2 से 3 दिन स्लरी छटवाई जी, स्लरी के बाद ये फर्टिलाइजर यूज किया जी, इतना अच्छा रेस्पॉन्स है कि आजू बाजू वाले खेडूत वहाँ आके उसको पूछते तूने ऐसा क्या कर दिया। अच्छा। ऐसा क्या जादू हो गया। सही बात है। ये इतने अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं जो हमको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं जी। तो सर कोई भी आम किसान ये बनाना नहीं चाहता है लेकिन यहाँ से खरीदना चाहता है, तो ये किस प्रकार यहाँ से मिलेगा? ये जैसे आप बनासकाठा में है जी, बनासकाठा में बनास डेयरी पूरी सक्रिय है जी, आप आपके गांव में जो सोसाइटी है जो दूध मंडली है वहाँ जाके आप बोलेंगे आपको वहीं से मिल जाएगा, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं। अच्छा। तो ये सर कितने क्वांटिटी में बैग मिलता है? ये हमारा 50 किलो के बैग में आता है। अच्छा। और कितने में पड़ता है ये? अभी हमारा जैसे कि आपके मंडली तक आप लेंगे तो 880 रुपये मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा। अगर यहाँ आके लेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएगा जी जी। तो सर ये क्या प्रोसेस है पूरी थोड़ा बताइए। अभी जैसे हमारा जो बाहर आया सॉलिड जी, ठीक है, वहाँ पे हमारा ट्रैक्टर वगैरह रहता है, वहाँ से फिर हम उसको पीछे लेके जाते हैं। अच्छा। यहाँ पर पीछे ले जाने के बाद मैंने जो बताया कि उसको हवा के साथ मिक्स करना है इनडायरेक्टली जी जी, प्लस बाकी चीजें ऐड करनी है, जैसे हम इसके अंदर कार्बन के लिए कभी कभी प्रेसमर भी यूज करते हैं जो हाई कार्बोनेट होता है, बायोचार भी यूज करते हैं, नीम केक भी यूज करते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जिस हिसाब से अपने लैंड को चाहिए वो सारी मिक्स की जाती है, जी जी, एरोडिलिंग की जाती है, मतलब मिक्सिंग की जाती है प्रॉपर। प्रॉपर मिक्स हो जाने के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया भी ऐड करते हैं, जी, जैसे पीएसबी हो गया, एनपीके हो गया, कंसोडिया हो गया। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद पैक होता है। अच्छा। अभी इसके अंदर हम बैक्टीरिया और ऐड करेंगे फॉर द लास्ट स्टेज में भी। अच्छा। ताकि अगर खेडू के घर जा रही है कुछ टाइम पीरियड के अंदर रहेगी, तब तक वो बैक्टीरिया लाइव रहेंगे। जी, तो सर ये ऑलरेडी जो खाद बनाया हुआ है पक्का करने के बाद किस प्रकार बनता है खाद, हमें बताए थोड़ा, और ये क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती है और यहाँ पर कौन कौन सा खाद बनता है वो भी अपन दिखना चाहेंगे। पहले दिखाया वहाँ पर जो बड़े बड़े जो दाने के ओर में जो वहाँ पर खाद बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो पूरे चारने से किस प्रकार यहाँ पर खाद बनती है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो सर ये इस टाइप से हमारा पूरा खाद आएगा, जी ठीक है ना, जी जी जी, ये पूरा इसके अंदर चारने से होने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। जी जी जी, इसके अंदर हम जब इसको पैक कर रहे हैं तब बैक्टीरिया भी इसके अंदर डालते हैं। तो मैंने बताया पीएसबी, उसका काम क्या है, फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, जो हमने फॉस्फेट डाला है, ठीक है, अब वो जमीन को पहुंचना भी चाहिए ना फॉस्फेट के रूप में, उसका काम वो है। बैक्टीरिया वो डाले जाते हैं। अगर आप कहीं पे भी, जैसे हमारा डीएपी है, यूजेबल फॉर्म क्यों 46% से 15% क्यों हो रहा है, क्योंकि वो यूज ही नहीं आ पा रहा। सही बात है, जो चाहिए जिसको मिल ही नहीं पा रहा। जी, तो सर ये ऑलरेडी ये जो डीएपी अपन डालते हैं, डीएपी हम डालते हैं, आप डाल सकते हैं प्रॉम फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। जी जी, तो सर ये 50 kg की बैग आती है। हाँ। और ये डीएपी की जगह काम करती है। ये 50 kg की ये बैग कितने में पड़ती है? ये हमें 880 रुपये मिलेगी। अच्छा। आपके गांव में, अच्छा, आपकी मंडली में, आपकी सोसाइटी में। अच्छा। अगर आप यहाँ आके लेना चाहते तो आपको ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज खर्चा आता है वो नहीं लिया जाए। जी जी, यानी कि मित्रों आपको जो डेयरी है, जो आपके जो गाँव में डेयरी है वहाँ पर आपको लिखवाना होगा और यहाँ पर आपको आपके गाँव में ही मिल जाएगी। तो सर जैसे कि ये डीएपी की जगह काम करता है। हाँ। जितना अपन डीएपी खेत में डालते हैं, हाँ, इतना ही ये डालना होगा? नहीं, उतना नहीं, तो हमें लगभग वो, अगर आप डीएपी का एक बैग डाल रहे हो तो लगभग आपको 2 बैग डालने होंगे। 2 बैग, ठीक है। आपका रिजल्ट अच्छा है, वैसे हम 1.5 बैग होता है लेकिन हम 2 बैग बोलते हैं। जी सर, डीएपी का कितने केजी का बैग आता है? मुझे 50 किलो का बैग है। कितने में पड़ता है? वो लगभग हमें जो मैंने बताया जैसे रियल में है 3900 रुपए का। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है 2500 रुपए। अच्छा। 50 रुपए किलो सब्सिडी मिल रही है उसको। अच्छा अच्छा, इसलिए हमें मिलता है 1350 लेके लगभग 1400-1500 रुपए। अच्छा अच्छा, तो इससे बेहतर है मित्रों ये आप इस्तेमाल करें। और ये डायरेक्ट जो डीएपी में जो ऑलरेडी जो कंटेंट है वही कंटेंट है। आपको ऐसा नहीं है कि आप ये डालेंगे तो आपको जो पूरा जो धान है वो कम मिलेगा। ये जो आप डीएपी दे रहे हो यही है। और ये जैसे कि आपके जो खेत में आप कोई भी आप ज़मीन खोदते हैं तो उसके अंदर जो केचू है वो नहीं मिल पाते। और आपकी जो ज़मीन है, जब आप कोई भी हरा चारा जो सूखा चारा आप काटते हैं उसके बाद आपका जो चारा का जो ग्रोथ होता है जो ऑलरेडी नहीं हो रहा है तो आपको यही डालना है एक बार। तो ये कार्बन का सोर्स है जी, जो हम कार्बन बाहर से कंपोस्ट वगैरह लेके आते हैं जी। वो कंपोस्ट में बोलने के लिए कंपोस्ट होता है लेकिन मोस्टली किसी का मतलब वेस्टेज होता है जो जलाने के बाद बचता है ना, जी जी, वो बोलते कार्बन है जी, लेकिन होता नहीं है, उसमें 8% कार्बन भी नहीं होता। जी जी, इसकी जगह पे आप एक कंपोस्ट ले सकते हो जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स है जी, ठीक है। इसमें 14% से ऊपर कार्बन मिलेगा जी जी जी, जो आपके नेचुरल अवेलेबल फॉर्म में जी। ये हम उसको मेन क्या है, हमारी ज़मीन में कार्बन बहुत कम है जी। हमें कुछ कार्बन चाहिए रहता है 0.6, 0.8, 1, 2, 3। हमारे बनासकाठा में 0.2, 0.3% है। ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी हमने एक्शन नहीं लिया तो हम शायद कुछ सालों बाद हम कुछ उगा ही नहीं पाएंगे। सही बात है। उसके लिए कार्बन के लिए मेन सोर्स है। अच्छा। आप यूज कर सकते हो डीएपी के कुछ बैग लो और इसके भी बैग। जी जी। डीएपी मतलब ऑर्गेनिक डीएपी, मतलब ये वाला, ये इसको हम ऑर्गेनिक डीएपी वैसे बोल नहीं सकते डायरेक्ट, मगर आपको जो होता है ना सब्स्टिट्यूट, या तो ये ले या फिर ये ले, उसकी जगह आप ये ले सकते हो। रिजल्ट है, कुछ नई चीज बोल रहा हूँ नहीं, मैं 2.5 से 3 साल ये प्लांट ऑपरेट कर रहा हूँ। 3 साल से खेडूत यूज कर रहे हैं। अच्छा। यूज करने के बाद रिजल्ट आ रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारे 1 साल में 2 से 3 सीजन आते हैं। अच्छा, तो लगभग 8 से 9 सीजन हो चुके हैं। अच्छा, रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट कैसा मिला है सर? बहुत अच्छा। और किसान भाई खुश है? बहुत खुश है। अच्छा। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ नया किया जी, डेयरी ने नेचुरल जो अपना तरीके होते हैं उसको अपना के उसको इम्प्रूव किया। अच्छा। जिससे रिजल्ट मिले। अच्छा अच्छा। हमारा मेन, हम जैसे गोबर गैस प्लांट जैसे हमने बड़ा लगाया है यहाँ पे, आप घरों में छोटा लगा सकते हैं। जी जी। छोटा गोबर गैस प्लांट जिसमें आपका गोबर आपके वहीं पे होगा क्योंकि यहाँ पे केटल है, वहाँ डालो, प्रोसेस करो, गैस बने वो यूज करो, नहीं करनी तो मत करो, उसको जला दो। लेकिन उसका मेन इम्पोर्टेंट है फर्टिलाइजर। अच्छा। जो स्लरी निकलता है वो अपने खेतों में यूज करो, जो आपको कार्बन भी बढ़ाएगा, जो आपके एनपीके बढ़ाएगा, बैक्टीरिया लाएगा। अभी आपकी जमीन आप खोदेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। सही बात है। सही पहले बात। आप आपके दादा या पूर्वजों को पूछना तो वहाँ पे बोलने पता चलेगा कि जब भी खोदते थे कुछ निकलता था, वर्म्स निकलते थे, केचुए निकलते थे, कुछ भी कीड़े निकलते थे। जी जी सही बात है। लेकिन अभी कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन नहीं है, हम खेत ज्यादा रहे। जी जी। तो मित्रों सर हमारा जो मेन आम किसान होता है जो वो गोबर गैस प्लांट बनाता है, उसका मेन मकसद जो गैस ही लेना होता है, लेकिन उससे जो बढ़िया जो चीज़ है, इससे भी महंगा जो खाद है उसका, उसके ऊपर वो नहीं फोकस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और फिलहाल ये चलो मैं आपको बड़े प्लांट का बताता हूँ। लगभग हम 70% जो रेवेन्यू आ रहा है वो खाद से आता है। अच्छा। 30% ही वो है, मेरे लिए मेन प्रोडक्ट खाद है। सही बात है। बाय प्रोडक्ट है वो गैस, अगर मैं जला भी दूं उसको चलेगा। जी जी जी। मेरा मेन प्रोडक्ट ये है, हमारा मेन एम है कि फार्मर को किस तरीके से, खेडूत को किस तरीके से सहायता कर सके। सही बात है। ये हमारा काम। हम तो डेयरी वाले, दूध वाले, हमें इसमें लाने की इच्छा नहीं है, लेकिन अभी प्राइवेट प्लेयर इतने जिन्होंने मार्केट को लीड कर रहे हैं और गलत चीजें खेडूत तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा सही बात। हमारा आने का मेन यही है, और सबसे अच्छा यही होगा खेडूत खुद के घर पे बनाए। जी जी। खुद के घर बनाएगा, सब कुछ ऑर्गेनिक रहेगा, गोबर आएगा, कुछ भी खर्चा भी नहीं लगेगा। क्यों? अभी दो लगभग 1960 के अंदर ही आया ना ये लगभग केमिकल फर्टिलाइजर, उससे पहले खेती नहीं होती थी। हो रहे थे। तो सर आप कुछ बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर एनडीटीबी ने कुछ चालू किया है 5000 में पूरा गोबर गैस पूरा सेटअप लगा दिया है। एक स्कीम आई है जिसके अंदर जैसे कार्बन क्रेडिट जो हम बात करते हैं। अच्छा। जो ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही है, मतलब वो बड़ी टर्म है। अच्छा। हमें समझने के लिए कि कार्बन क्रेडिट वो लोग लेके जाएंगे, लेकिन आपके घर पे आपको केवल 5000 या 6000 रुपए देने, घर में आके गोबर गैस प्लांट लगाएंगे और आप यूज कर सकते हैं। उसकी गैस भी आपकी, स्लरी भी आपकी, सब कुछ फ्री में हो जाएगा। जो अभी हम लगभग 30,000 रुपए में बनता है, उसकी जगह कुछ स्कीम में 5000 में बन रहा है। अच्छा अच्छा। तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये डीएपी की जगह, ठीक है, और ये कार्बन जो आपकी जमीन जो निर्जीव हो गई है, जिसके अंदर कोई भी केचुए बेचुए जो अपन जो बोलते हैं, जो कुछ भी निकालते हैं उसके अंदर जो जीवित जो कुछ ना कुछ निकलता है और वो नहीं निकल पा रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर जैसे कि हमारा जो खेतों में जो अपन जो धान लगाते हैं, जो हरा चारा जो अपन काटते हैं, और उसकी जगह वो काटने के बाद जब तक अपन ये खाद नहीं डालते जैसे कि यूरिया वो सब नहीं डालते, उसकी जगह वो ग्रोथ नहीं होता, तो वो ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर आप कौन सी चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं वो हमें बताएं थोड़ा। हमारे यहाँ पे एक कंसनट्रेटेड लिक्विड जो मैं आपको दिखाता हूँ, संजीवनी करके प्रोडक्ट है। जी। वो आप जैसे 1 लीटर में आप यूज़ कर 15 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं। जी। उसके अंदर आपको फ़ायदा है कि आपको इंस्टेंट, जैसे ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं हम लोग। अच्छा। एकदम से ग्रोथ प्रमोट होती है। अच्छा अच्छा। ये हमारे पास 1 लीटर 5 लीटर के अंदर अवेलेबल है। अच्छा। कृषि संजीवनी। जी। जैसे ये 5 लीटर का है। अच्छा। ये 5 लीटर है। हाँ। जी। और ये 1 लीटर में। 1 लीटर। तो ये सर ऐसे 25 लीटर में अवेलेबल है। अच्छा। तो ये सर 1 लीटर पे ये कितनी जमीन पे काम करता है, ये कितनी जमीन में डालना होगा? लगभग आपका 15 लीटर जो पंप रहता है, 15 लीटर में आप डाल सकते हो उसको। 1 लीटर। हाँ 1 लीटर। अच्छा। जैसे 25 लीटर है वो आपके 1 एकड़ में आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। जैसे ये हमारा 25 लीटर का है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमारा ये रिसेंट का 2 फरवरी का पैक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सर 25 लीटर का है। 25 लीटर का है। और जैसे कि सर 1 बीघे पे लगभग 1 एकड़ आप 1 बीघा 1 एकड़ आप इससे कवर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये और ये क्या क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि ज़्यादा डाल देते हैं। सही बात है। तो 1 बीघा में ही आएगा। अच्छा। अगर आप ऐसा 1 एकड़ तक जा सकते हैं। जी। तो ये सर कितने में पड़ता है? ये लगभग ये हमारा 800 रुपये का इसका MRP है। अच्छा। 800 में मिलता है। 800 रुपये में 25 लीटर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सर ये 25 लीटर पे कितना पंप बढ़ेगा, कितने पंप बढ़ेंगे? 25 पंप बन जाएंगे। 25 पंप बन जाएंगे, मतलब 1 लीटर आप लगभग 15 लीटर में डाल सकते हो। पंप अपना 15 लीटर के आसपास आता है। अच्छा। तो सर हमारे जो आम किसान भाई है, आम पशुपालन भाई है, उसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा बस यही कहना है, डेयरी या फिर बायोगैस प्लांट खुद का है। जी। खुद के प्रोडक्ट आप यूज़ करिए। जी। आपका पैसा घूम फिर के आपके पास ही आएगा। जी जी। ये एक तो अलग फ़ायदा है। मेन फ़ायदा क्या है, आपकी जो ज़मीन जो अभी पूरी सूख गई है, सूख गई केवल पानी से नहीं, उसमें ना जीवात है, ना केचुए हैं, कोई बैक्टीरिया कुछ है ही नहीं। आप उसको खोदेंगे कुछ मिलेगा नहीं। ये सब आप करने के बाद, क्योंकि हम क्या अभी तक केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, हमें रिजल्ट मिले नो डाउट, हमें प्रोडक्शन बढ़ा, मगर किस कॉस्ट के ऊपर? पहले हम अगर एक संतरा या मौसमी खाते थे, ठीक है, अब उसके अंदर जितना न्यूट्रिएंट थे या उसका जो टेस्ट था वो चला गया। सही बात है। अब आप अभी हम बोले उसका 1 की जगह 8 बन गए। जी। लेकिन जो टेस्ट है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू होने चाहिए, जो मेरी सेहत के लिए अच्छा है, वो सब ऑर्गेनिक में आएगा, क्योंकि एक पूरा साइकिल बना हुआ है। सही बात है। वो किसी को खाएगा, कुछ देगा, उस तरीके से प्रोसेस बनता रहेगा। केचुए होंगे तो केचुए से जो निकलता है वो आपका खाद ही बनता रहेगा। जी। हमारे यहाँ नेचुरल प्रोसेस तो पूरा घट गया, पहले नेचुरल प्रोसेस से बन रहा था, अभी हमको सब कुछ ऐड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे आपकी लैंड को बचाने के लिए। जी जी। तो सर हमारे जो आम किसान भाई है वो गोबर गैस फिलहाल नहीं बना रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या आप गोबर जो गैस की बजाय आप खाद का इस्तेमाल करें, तो उसके बारे में आप क्या थोड़ा बताना चाहेंगे? मेरा तो पहला सजेशन रहेगा कि ये गोबर गैस नहीं है जी, ये गोबर गैस और गोबर की खाद है जी, ठीक है, जो बहुत जरूरी है जी। हम क्या करते हैं कि उकाड़ा बनाते हैं, उसको सुखा देते हैं प्लस उसमें निंदामण तो रही जाती है, वो डाल देते हैं, फिर वो निंदामण के लिए अलग से केमिकल डालते हैं, सही बात, ठीक है, और पैसा डालते हैं, मेहनत बढ़ाते हैं, लेबर ढूंढते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जी। इसकी जगह आप गोबर गैस रखो जी, गोबर गैस से गैस तो मिल रही है, यूज करना है तो करो, आपके पास एलपीजी तो यूज करो, मेरा सुझाव है यूज करो, तो उसका भी फायदा जी। प्लस जो स्लरी निकल रही है उसको खेतों में डालो, अच्छा, खेतों में डालोगे तो क्या क्या होगा, उसमें जो निंदामण है वो जल गई होगी, वो खत्म हो गई होगी, क्योंकि वो 20 से 30 दिन अंदर डाइजेस्टर में डाइजेस्ट हुआ है, तो जो निंदामण है वो चली जाएगी आपकी। वो स्लरी के एनपीके वैल्यू, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश, सब उसके अंदर बढ़ गया है, अच्छा, वो आप डालोगे उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा, आपका आज डालोगे तो आज का रिजल्ट नहीं, मगर आपका 1 या 2 या 3 साल का साइकिल होगा ना, उसका आपकी पूरी जमीन ही अलग दिखने लगेगी, सही बात है, शॉर्ट टाइम में आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। गोबर गैस नहीं, आप उसको गोबर गैस और गोबर खाद का प्लांट बोलो, घर ही पे आप खाद का प्लांट डाल सकते हो, उसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, घर में ही आपका प्रोसेस जैसा होता है, जो लेबर आपके पशु संभालता है वो आपका गोबर गैस संभालेगा, ठीक है, अगर लेबर नहीं है तो अपने जो घर में जो सदस्य हैं 2-3 लोग, वो उसमें कितना टाइम देना है आपको, सही बात है, 15 मिनट आपको मिक्सिंग करके डालना है, और स्लरी है उसका प्रोसेस करना है, पंपिंग कर देना, कुछ करना नहीं। तो थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी, सो आपको तहे दिल से धन्यवाद।